गाइज आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। मेरे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आ सके। तो आप देख रहे हैं टेक्निकल फ्रेंड। तो जैसे कि आज का मेरा टॉपिक है कि जैसे कि अकॉर्डिंग टू RBI गाइडलाइंस 3 महीने का जो EMI मॉनिटरिंग आपको मिलना चाहिए, और आप लोगों ने अगर मार्च में अगर EMI नहीं लिया है और अप्रैल में भी अभी तक आपने नहीं लिया है, तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि HDFC का EMI मॉनिटोरियम आप कैसे ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम में लिखना है HDFC मॉनिटोरियम। ये लिखने के बाद आपको देखिए ये ऐसा आ जाएगा। मैं ऐसे कर देता हूँ ज़रा सा फुल व्यू मोड में, डेस्कटॉप साइड मोड में कर दिया। देखिए तो फ्रेंड्स, पहले में आपको दिख जाएगा RBI मॉनिटर FNQ गाइडलाइंस ऑफ EMI HDFC बैंक। इसमें क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, बट लिटरली बहुत टाइम ले लेगा। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे एक नोट है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ कि जिसका जिसका EMI कट हो गया है, ठीक है, नोट में अच्छा से आप पढ़िए। तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, बट ये वीडियो कुछ और है। ये वीडियो है कि आप मॉनिटोरियम ले कैसे सकते हैं और इसके लिए कौन कौन मतलब कौन कौन इसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन से इसमें देखिए पहले सॉल्व, व्हाट इज़ द EMI मॉनिटोरियम प्रोवाइडेड फॉर लोन अंडर COVID-19। सो COVID-19 के लिए कौन कौन सा लोन आप कर सकते हैं जिसको आप 3 महीना बाद कर सकते हैं? तो मैं शॉर्टली बता देता हूँ, आपके जितने भी टर्म्स लोन है, होम लोन है, कार लोन है, आप वो सब सारे कर सकते हैं। कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है? तो इसका सेकंड का आंसर यही है कि मान लीजिए आपका कोई एक भी प्रीवियस, अगर इससे पहले वाला अगर कोई आपका चेक बाउंस नहीं किया है, मतलब कोई भी EMI बाउंस नहीं किया है, तो आप इसका एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में आते हैं। ठीक है, व्हाट हैपन इफ़ चूज़ मॉनिटोरियम? अब फ्रेंड ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप अच्छे से पहले समझिएगा। ठीक है, आपको न्यूज़ में दिखा रहा हो कि सर आप मत लीजिए या ऐसा कीजिए, ये बहुत ही अलग है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर आप EMI मॉनिटोरियम लेते हैं और आपका लोन अगर 6 लाख 7 लाख 10 लाख है, ठीक है, इतना अमाउंट है, तो आप मेरे अकॉर्डिंगली आप इसे बिल्कुल ही लीजिए। मैं आपको नहीं बोलूँगा कि इसे नहीं लीजिए, क्योंकि आप न्यूज़ में देखे हो कि आपका 20 लाख का स्लैब में दिखाते हो कि सर आपका इंटरेस्ट इतना हो जाएगा इतना हो जाएगा, बट आपका 6 लाख में 1 महीने का इंटरेस्ट कितना हो सकता है? अगर आपका 5 साल के लिए हो तो 1500-1600, तो आप 1500-1600 के लिए आपका मान लीजिए अगर 1 महीने में 20,000 EMI कटता है, तो 20,000 से तो आप बच जाओगे ना, आपको एक अमाउंट तो मिलेगा रखने के लिए, कुछ भी सेविंग्स ही मान लीजिए। उसके बाद क्या करेगा ना ये बैंक उसके बाद उस जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए आप 2 महीना नहीं लिए, आपको सिर्फ मे का लेना है, तो वो मे वाला जो सिर्फ आपका इंटरेस्ट है ना, वो आपका प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा और आपका टेन्योर को बढ़ा दिया जाएगा। ये है, तो सर मैं तो बोलूँगा कि आप लोग इसे लो अगर आपका लोन अमाउंट कम है तो। ठीक है, अब बात है कि इसको लेना कैसा, और जिसे नहीं लेना है तो फिर आप ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑटो लोन, ये सब तो ये आप देख लीजिएगा, बट मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ, अगर आपका छोटा मोटा लोन है तो आप लीजिए, ये कोई बड़ा बात नहीं है। अब देखिए इसको आपको करना कैसा है, इसमें आप दो चीज़ से कर सकते हैं, या तो EMI, या तो आप ईमेल से कर सकते हैं, या फिर आपका इसमें एक नंबर दिया गया है उससे आप इसको कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स दिखाता हूँ मैं आपको, और क्रेडिट कार्ड के लिए भी बोला गया है, तो क्रेडिट कार्ड का तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड क्रेडिट कार्ड का बिल आप पेमेंट कर दे, क्रेडिट कार्ड का आप ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अगर आप लेते हैं तो फिर आपको उसका 1 महीना का 40% आउटस्टैंडिंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो मत ले, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑनलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 7 नंबर के बाद सबमिट योर रिक्वेस्ट फॉर फ्यू क्लिक्स यहाँ पे है, इसमें आपको क्लिक करना है, एक पेज आपके ऊपर ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, रुक जाइए, एक फॉर्म खुलेगा आपने, आपको इसके लिए अपना लोन नंबर जो एग्रीमेंट नंबर होता है वो आप अपने पास ही रखिएगा। देखिए आ गया ऑप्शन फॉर डिफर योर EMI पेमेंट फॉर अप्रैल एंड मई, ठीक है, क्योंकि एक तो पार हो चुका, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन अपना नंबर दे दीजिए, आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आप लोन लेने के टाइम लिए थे, वो फर्स्ट नेम
मिडिल नेम ले कोई दिक्कत नहीं, लास्ट नेम, ईएमआई ऑप्शनल है, डेट ऑफ बर्थ जो लोन में, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में वो क्या सुन, जैसे कि पर्सनल लोन है तो पर्सनल लोन, ऑटो लोन है तो ऑटो लोन, टू व्हीलर लोन या फिर डेबिट कार्ड ईएमआई लोन, तो जो भी है, सपोज दैट पर्सनल लोन है, पर्सनल लोन में क्लिक करना है आपको, लोन अकाउंट नंबर, ये 8 डिजिट का आपका लोन अकाउंट नंबर होगा, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है, लोन अकाउंट नंबर देना है, ईएमआई अमाउंट आपने प्रीवियस या आप कितना ईएमआई भरते हैं, अगर आपको याद है तो आप यहाँ ऑप्शनल है, इसमें भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते आप इसमें भर दें, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये ही दो चीज़ आपका मेन है, ठीक है। पहला है, आई विल डिफर माई अनपेड ईएमआई फॉलिंग ड्यू बिटवीन 1 मार्च 2020 एंड मई 31, 2020 एंड आई अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट शैल बी कंटिन्यू अकॉर्स। इसका मतलब फ्रेंड्स एक ही चीज़ है, अगर आप पहले वाले पे चूज़ करते हैं तो आप जो 3 महीने का मॉनिटोरियम ये आप ले रहे हो और आपका जो इंटरेस्ट है वो चलता रहेगा। और सेकंड वाला, अगर आप सेकंड वाले को चूज़ करते हो, मैं तो फर्स्ट वाले को करने के लिए, अगर आप सेकंड वाले को करते हो तो कीप माई ईएमआई पेमेंट एज पर शेड्यूल, आई डोंट वांट टू पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बाई डीलिंग माई ईएमआई। सो अगर इस पर आप क्लिक करते हो तो फ्रेंड्स आपका जो ईएमआई कटता है हर महीने वैसे ही कटेगा, ठीक है। और इसमें आपको फिर इसमें क्लिक करके सबमिट कर देना है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स, अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रहा है और आप ऐसे और भी देखने चाहते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपका ईएमआई कट गया है और उसे कैसे रिफंड चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक पे आपको ये वीडियो बना दिया गया है, उस पर आप जाके देख सकते हैं, आपका पैसा रिफंड आ जाएगा।